हेलो दोस्तों, फैंटेस्टिका क्रिटिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं सभी चॉकलेट्स को मिक्स करके एक चॉकलेट बनाने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि चॉकलेट का स्वाद बहुत अच्छा आए, और इस वीडियो में मैं इतना ही करने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास इतनी सारी चॉकलेट्स रखी हैं जो जिनके अनबॉक्सिंग मैंने पिछली वीडियो में करी थी, उसकी वही चॉकलेट्स को आज मिक्स करके एक नई चॉकलेट बनाने का ट्राई करूँगी। और होप करूँगी कि चॉकलेट का टेस्ट अच्छा आए, और इस वीडियो में मैं इतना ही करूँगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि मैंने पिछले वीडियो में इन सब चॉकलेट की अनबॉक्सिंग की थी, तो इस वीडियो में मैं कुछ नया करने वाली हूँ। और मैं करने वाली हूँ कि इस वीडियो में मैं इन चॉकलेट्स को, ये जो जितनी चॉकलेट्स हैं उनको, मतलब सभी को नहीं, थोड़ी सी चॉकलेट्स को मिक्स करके एक न्यू चॉकलेट बनाने वाली हूँ। और फिर आपको बताएंगे कि ये चॉकलेट कैसी बनी है। तो बिना देरी के मैं इसको शुरू करती हूँ। और इसमें कई सारी चॉकलेट्स हैं, जैसे कि क्यूज है, स्निकर्स है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स हैं कई सारी, और अमूल की भी है, अमूल इंडिया, और मंच नट्स, किटकैट, बाउंटी, जैम्स, स्किटल्स, और भी बहुत सारे चॉकलेट। अगर आपको ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं अवेलेबल करा दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा अनबॉक्सिंग वीडियो। तो बिना देरी किए मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को। तो पहले इस ये सब चॉकलेट्स को मैं एक जगह रख लेती हूँ। ये काफ़ी सारे चॉकलेट्स हैं, तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है, और इसमें मैं इन चॉकलेट्स को ऐड करने वाली हूँ। ये कैडबरी की है चॉकलेट जैसे, और इसमें हम स्किटल्स भी ऐड करेंगे। कैडबरी की, और जो जो होता जाएगा उसको मैं यहाँ पर रखती जाऊँगी। और ये देखिए किटकैट को ऐड कर लेती हूँ, और ये आई थिंक मंच है, इसको भी ऐड करेंगे हम, पूरी मंच ऐड कर लेते हैं। और ये किटकैट, ये है क्रिस्पेलो, क्रिस्पेलो ये है यहाँ पर, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और ये स्नीकर्स है, इसको भी ऐड करेंगे। और इसमें कैरेमल भी है, हम फिर भी इसको ऐड ही कर लेते हैं। और ये बाउंटी चॉकलेट है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इसका मैं थोड़ा सा पार्ट ही इसमें यूज़ करूँगी। मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, अब देख सकते हैं आप। और ये आई थिंक फ्यूज़ है, जिसमें कि पीनट्स वगैरह होते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ये भी फ्यूज़ है। एंड ये हल्दीराम की चॉकलेट है कुछ, इसका भी कुछ पार्ट हम ऐड करेंगे। ये बाउंटी भी है, और ये आई थिंक बार वन है, ये मंच है, मंच को भी ऐड कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और इसको हम मेल्ट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि हमारी एक चॉकलेट तैयार हो जाए। और ये है फेरेरो, सॉरी फेरेरो रोचर मोमेंट्स, ये देखिए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और आई थिंक इसकी सब हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें से ऐड करेंगे किटकैट, ये किटकैट ट्रफल, एंड ये कैडबरी, कैडबरी का है ये कुछ, आई डोंट रिमेंबर, ये कैडबरी मूज, ये भी कैडबरी का है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये किट कैट है, ये अमूल मिल्क चॉकलेट, ये कैडबरी, और ये रेड वेलवेट ओरियो, और ये डार्क चॉकलेट है, ये मुझको ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो इसको मैं
ऐड कर ही लेती हूँ फिर भी। ये मिल्की बार है, मिल्की बार को भी ऐड करेंगे। और ये है कैडबरी जैम्स एंड ये अगेन रेड वेलवेट है। और इतनी ये हो चुकी हैं और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और मेल्ट करके फिर इसको हम फ्रीजर में जमने के लिए रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी चॉकलेट बनती है कि क्या बनती है। तो हमने इस चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और अब हम इसको फ्रीजर में जमाने के लिए रखेंगे। तो इस चॉकलेट को हम किसी बाउल में कर लेते हैं। तो ये मैंने कांच का बाउल ले लिया है, तो इसमें हम चॉकलेट ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से सेट कर देते हैं और फिर इसको फ्रीजर में रखकर जमने के लिए रख देंगे। और फिर हम देखेंगे कि चॉकलेट बनती है और इसका टेस्ट कैसा होता है और आपको बताएंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है और अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी। और अब हमने जो चॉकलेट फ्रीजर में जमने के लिए रखा था वो तैयार हो चुका है। अब इस बाउल से निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का जमा है चॉकलेट। तो प्यारा लग रहा, देखिए ये बाउल से इतनी जल्दी से निकल कर आ गया है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और कांच के बाउल में ही हमने जमाया इसको और अच्छी तरह से बाहर आ गया है। तो अब हम इसको कट करके देखेंगे और टेस्ट करेंगे कि सभी मिक्स चॉकलेट का टेस्ट कैसा आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा आया है इसका टेस्ट, क्योंकि अभी ही फ्रीजर से निकाला है इसको। तो ये बहुत हार्ड है और नाइफ से भी कट नहीं पा रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ बड़ी सेफ्टी के साथ ताकि मेरे हाथ में भी ना लगे और चॉकलेट भी कट जाए। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं चॉकलेट का छोटा सा पार्ट मेरे हाथ में आ गया है और मैं इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ। और ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, यम्मी। सभी मिक्स चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है इसमें। और मैं अब इसको काट लेती हूँ, यानी ये चॉकलेट पास हो गई है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ, अभी भी ये बहुत हार्ड है तो कट करने में इसको बहुत प्रॉब्लम है, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कट करने की। लेकिन ये चॉकलेट बहुत ही यम्मी है, आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले कभी ये चॉकलेट मिक्स करके एक नई चॉकलेट बनाने की कोशिश की है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये आप देख सकते हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसमें पीनट्स एंड नट्स वगैरह और जैम्स भी है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप ट्राई करने वाले हैं मेरी वीडियो को देखकर। और इस वीडियो में मैं बस इतना ही करती हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और अपने नए नए सजेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।